ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूँ जो दिल्ली मेट्रो में है और गाजीपुर के ही नवोदय विद्यालय के प्रोडक्ट हैं और गाजीपुर के रहने वाले हैं। संजय जी, कल आपने 16 मोबाइल नवोदय विद्यालय के बच्चों को, गरीब बच्चों को जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, आपने दिया। ये गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है ऑनलाइन पढ़ने की, तो जो गरीब बच्चे हैं, तो पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए थी कि उन बच्चों का एक सूची बना करके, वो अगर पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं तो कैसे वो बच्चे करेंगे, उसकी व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी। आपने ऐसी पहल की, कैसे मन में विचार आया आपके? जहाँ तक मन में विचार आने का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि मेरे 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे केंद्रीय विद्यालय पढ़ते हैं, जिसमें 2 बेटियाँ 8वीं क्लास में हैं, 1 बेटी 6 में पढ़ती है और एक बेटा है जो 3 क्लास में पढ़ता है, और सबका ऑनलाइन क्लास इस समय चल रहा है। और मुझे भी ये समस्या थी कि मेरे पास 2 मोबाइल था, 4 बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो मैंने एक एक्स्ट्रा मोबाइल अपने लिए भी खरीदा और एक मोबाइल स्पेयर में किया बच्चों के लिए, और तब हम जाके अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने पेपर में देखा है कि न्यूज में आया हुआ था, CBSE बोर्ड के सर्वे में ये भी पाया गया कि ऑनलाइन क्लासेस चल तो रहे हैं, मगर कितने छात्र उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो उसमें करीब करीब 27% छात्र ऐसे थे जिनके पास मोबाइल है ही नहीं, और बावजूद उसके ऑनलाइन क्लासेस और परीक्षाएँ चलाई जा रही हैं। और फिर हमारे एक लाइब्रेरी मैडम है, निर्मला कश्यप उनका नाम है, काफ़ी समाज सेवा में अग्रणी रही हैं, उनका एक सुझाव आया कि संजय हम क्यों ना ऐसा कुछ करें जिससे जो लोग ऑनलाइन क्लास से वंचित हो जा रहे हैं उनको लिए हम कुछ अपना करें। उनका सुझाव मुझे पसंद आया, और वही बात फिर प्रथम और द्वितीय बैच के लोग काफ़ी आपस में एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, फिर हमने बात किया और मुश्किल से 15 दिनों में हमने ग्रुप बनाया, एक ऑनलाइन मीटिंग किया और 24 घंटे के अंदर करीब 1,00,000 का कंट्रीब्यूशन 24-25 लोगों ने मिलकर कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने सैमसंग का M01 कोर मोबाइल जो है, हमने चीप एंड बेस्ट पे जाते हुए उसको सिलेक्ट किया और 16 मोबाइल हम दिल्ली से ले लिए। अब ये था कि कैसे यहाँ पर डिलीवर किया जाए, तो मैंने खुद ही छुट्टी लिया और उसको लेकर आगे पूरा आ गया नतीजा आपके सामने। दिल्ली से आप लेकर के आए 16 मोबाइल को, तो आपने परचेज किया एक दुकान से किया होगा, तो कुछ उसमें भी आपको छूट दिए होंगे कि? हाँ बिल्कुल, उसका जब आप MRP देखेंगे डिब्बे पे तो 8,499 का मोबाइल है, ऑनलाइन रेट उसका 5,999 है, और जब हमने डीलर से बात किया तो उसने बोला कि मैं इतना मोबाइल उतना घर पर डिलीवरी कर दूंगा, और प्रति सेट 1,180 रुपये छूट उसने दिया, तो हमें एक मोबाइल की कीमत 5,820 रुपये पर, और इस तरह हमने 16 मोबाइल परचेज। थोड़ा धन्यवाद आपको इसके लिए, लेकिन आप ये व्यवस्थाएं तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थी कि ना, आपको क्या लगता है? हाँ, गवर्नमेंट को ऐसा हुआ कि कोरोना काल में जब बंदी हुआ तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा कुछ करने को उसके पास था नहीं, और हर चीज़ में हम अगर गवर्नमेंट के मुँह ताकेंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि देश हमारा आगे जाए, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जवाबदेही है, तो हमसे जो बन सका हमने वो छोटा सा कदम लिया ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हों। तो ये पूरे देश के मामले हो गए, इस तरह के बच्चे तो हर जगह होंगे पूरे देश में। हाँ बिल्कुल, पूरे देश में जब कोरोना काल लगा हुआ है सबको, तो पूरे देश की समस्या है। धन्यवाद संजय भाई। मैं एक आपके साथ ईश्वर भाई है, एक गामर गांव के, और ये भी काफ़ी समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे ईश्वर भाई? एक बेहतर कार्य उन्होंने किया है, खासतौर से अपने सहयोगियों और अपने साथियों के साथ मिलकर जो इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है आपके सहयोग से, उसके लिए इनको साधुवाद। और इस तरह से अगर बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशे में हैं, जिनके पास संसाधन है, अगर मिलकर इस तरह की पहल करें तो हमें लगता है कि हमें सरकार का बहुत मुँह नहीं देखना पड़ेगा और बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है। संजय भाई, इसके बाद भी आप कुछ और प्रोग्राम बनाए हैं क्या अपने टीम के साथ मिलकर के? हाँ, निश्चित रूप से हमारे पास एक कार्य योजना है, अभी तो हमने जल्दबाजी में शुरुआत किया, मतलब शुरुआत हमने कर दिया है। कार्य योजना हमारे पास ये है कि हमारे पास गाजीपुर नवोदय 1992 से चल रहा है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 29 बैच हो चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि हर बैच से कम 20-30 भी अगर हम जोड़ पाते हैं, जो लोग सर्विस पैसा वगैरह सर्विस में हैं, तो हमारा एक लंबा जो भी सदस्य होंगे ज़्यादा होंगे, और जब ज़्यादा सदस्य होंगे तो हम थोड़ा भी अगर हम सहयोग करते हैं तो वो ज़्यादा हमें दिखेगा भी, तो हम अपने कार्य योजनाओं को बेहतर। तो आप नवोदय से इतर होकर भी कुछ लोगों का सहयोग करना चाहेंगे जो से समाज में कुछ निडी लोग हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो हम चूँकि नवोदय से, तो हम नवोदय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे ही हमारी संख्या बढ़ेगी और हम और ज़्यादा सक्षम होंगे तो हम नवोदय की बात ना करें, पूरे समाज की बात करें। धन्यवाद संजय भाई, आपसे मुलाकात करके हम लोग भी धन्य हुए। थैंक यू संजय भाई।